सर्दियां शुरू होते ही मेरी और आपकी परेशानी ये रहती है कि भाई रंगत क्यों कम होती चली जा रही है। और सबसे बड़ी परेशानी ये हो जाती है कि यहाँ की जो स्किन होती है ना, जो अंडर आई, जो सॉरी यहाँ की जो स्किन होती है, लिप्स के जो कॉर्नर की स्किन होती है, लिप्स कॉर्नर से लेकर के यहाँ तक की स्किन जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट दिखने लगती है। यानी कि हमारी स्किन जो है अनइवन होने लगती है, क्योंकि क्या करते हैं मोस्टली आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आप फील नहीं करते हो, बट जब आप धूप में बैठते हो ना तो जिसके कारण, अच्छा ये होता है कि नहीं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जब आप लेटते हो धूप में या बैठे रहते हो धूप में तो आप यूं रहते हो बट ये चीज आपका कवर नहीं रहता है, जिसके कारण हमारी मोस्टली विंटर सीजन में जो ये वाला पार्ट होता है ना उसकी रंगत थोड़ी सी डिफरेंट लगने लगती है। वैसे भी विंटर सीजन में रंगत थोड़ी कम हो जाती है, प्लस अगर इसकी रंगत कुछ और दिखने लगे तो मंकी माउथ जिसे सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, तब फेस जो है वो बहुत गंदा दिखने लगता है। तो भाई इसकी परेशानी से कैसे मुक्ति पाया जाए, तो भाई कुछ नहीं करना है, आज का आपको वीडियो देखना है। दूसरी परेशानी ये हो जाती है कि सबकी रंगत कम होने लगती है ना, और ऐसा क्या करें भैया, बहुत ज्यादा ठंडी है, डेली डेली फेस पैक लगाने की तो हिम्मत नहीं है। अब ठंडी जो है बहुत जगह अभी ठंडी पड़नी थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है, और बहुत जगह ऐसी है कि बहुत 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 ज्यादा ठंडी हो गई है, तो पानी में तो हाथ डालने की इच्छा होती ही नहीं है, तो भैया फेस पैक लगाने की क्या इच्छा होगी। बट अगर मैं कहूँ आपको कि एक ऐसा फेस पैक लेकर के आई हूँ जो विंटर सीजन में हफ्ते में सिर्फ एक बार अगर आप इस्तेमाल कर लेते हो, यानी तो पूरे वीक, पूरे हफ्ते जो है, पूरे 7 दिन आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट रहेगी। वीक में एक बार कर लेते हो तो ही बहुत है, बट अगर आप वीक में 2 बार कर लेते हो तब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी अगर एक बार इस्तेमाल कर लेते हो तो सफिशियंट है, उससे ज्यादा अगर इस्तेमाल नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं है। फुल बॉडी व्हाइटनिंग पैक लेकर के आई हूँ, यानी कि सर से लेकर के पैर तक इस आप पैक को लगा सकते हो हफ्ते में एक बार। पूरे बॉडी में जब आप सार लेने जाने वाले होते हो उस समय बस कुछ इस तरह से आपको हल्के हाथों से स्क्रब करना है और उसके बाद आपको वॉश कर लेना है, बॉडी में लगा करके रखने की आवश्यकता भी नहीं है। बस सिर्फ उतना कर लेते हो, उतने में ही आपकी आपकी स्किन में बहुत ज्यादा फर्क हो जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। तो चलिए देर नहीं करते, सुपर से भी ऊपर वाले फेस पैक को बनाना शुरू करते हैं। तो भाई आज का वीडियो इतना जब खास है तो वीडियो को फुल देखना तो बनता ही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, आई होप कि अच्छे होंगे, और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में, और मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। अगर फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दे, उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को जरूर 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 शेयर करें। तो चलिए इस सुपर से भी ऊपर वाले फेस पैक को बनाना शुरू करते हैं। इस सुपर से भी ऊपर वाले फेस पैक को बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए दोस्तों, वो चाहिए आपको वाइल्ड टर्मरिक, जिसे कस्तूरी हल्दी कहते हैं वो, और ये वाइल्ड टर्मरिक जो है ना दोस्तों ये बहुत 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 बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन को वाइटन करता है, ब्राइटन करता है, लाइटन करता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्ने रहते हैं, स्कार्स रहते हैं, और पिंपल्स, स्पेशली अगर आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स रहते हैं तो उसमें तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी इससे भरपूर होता है, तो आपकी स्किन के ऊपर एक्ने स्कार्स को होने से रोकता है। तो मैं क्या क्यों पूरा 1 स्पून के करीब में वाइल्ड टर्मरिक ली हूँ, क्योंकि वाइल्ड टर्मरिक है तो मैं 1 स्पून ही हूँ, बट अगर आप किचन हल्दी इस्तेमाल करते हो तो आप 1/2 स्पून से भी हाफ लोगे, यानी कि 1/4 आप लोगे, क्योंकि किचन हल्दी आपकी स्किन को थोड़ा येलो कर देता है, ये थोड़ा नहीं भैया बहुत ज्यादा येलो कर देता है, बट ये जो वाइल्ड टर्मरिक है ये आपकी स्किन को येलो नहीं करता है। गुण इसके सेम है, कहीं मुझे लगता है किचन हल्दी से ज्यादा ही गुण इसमें है, बट ये आपकी स्किन को येलो नहीं करता है। अब जो दोस्तों इसके अंदर मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो मैं ऐड कर रही हूँ आपको सैंडलवुड पाउडर, यानी कि चंदन पाउडर। ये हमारी स्किन को वाइटन करता है, ब्राइटन करता है, लाइटन करता है, टाइटन करता है, और अगर आपके चेहरे के ऊपर डार्क स्पॉट है, डलनेस है, पिगमेंटेशन है, उन सब की परेशानी को दूर करता है। एक टाइम था जब मेरे चेहरे के ऊपर इतने बड़े बड़े काले काले दाग थे और वो सब सिर्फ चंदन के इस्तेमाल से जो है वो खत्म हुआ,
चंदन हमारे स्किन के लिए बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल होता है दोस्तों। तो सैंडलवुड पाउडर मैं ले रही हूँ 1 स्पून, ठीक है। अब जो दोस्तों इसके अंदर जो थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो ऐड कर रही हूँ मुलेठी पाउडर, जिसे यष्टि मधु कहते हैं, लिकोराइस पाउडर। ये मेरा पर्सनल फेवरेट मतलब पाउडर है, जैसे सैंडलवुड पाउडर है वैसे ही ये है। इसकी खासियत ये होती है कि आपकी स्किन को व्हाइटन करता है, ब्राइटन करता है, लाइटन करता है, और सबसे बड़ी बात होती है कि ये आपकी स्किन टोन को 2 से 3 टोन तक फेयर करने की क्षमता रखता है। और मुलेठी पाउडर मैं ले रही हूँ पूरे 2 स्पून के करीब, मैं 2 चम्मच में मुलेठी पाउडर ली हूँ, यानी कि जितना मैं ली हूँ सैंडल पाउडर उसके डबल मैं ले ली हूँ मुलेठी पाउडर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो मैं ऐड कर रही हूँ रोज पेटल पाउडर। ये अगर आपके पास रोज पेटल पाउडर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप गुलाब ले लें, अच्छे से उसे धो लें, धोने के बाद उसको ड्राई एकदम पंखे के नीचे जो है आप उसे सुखा लें, धूप में आपको नहीं सुखाना है। जब उसके पेटल्स यानी कि जब उसकी पंखुड़ियां सूख जाती है उसके बाद उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर ले, आपका रोज पेटल पाउडर जो है बन के रेडी हो जाएगा और आप इसके अंदर मिक्स करेंगे। अब भैया रोज पेटल पाउडर करता क्या है, ये आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है, आपके चेहरे के ऊपर गुलाबी निखार लाता है। रोज पेटल पाउडर है ये, मैं ले रही हूँ 1 स्पून। अच्छा जितने भी मैं पाउडर ली हूँ सारे हर्ब टॉनिक के ली हूँ, क्योंकि तो मेरा पर्सनल फेवरेट ब्रांड है हर्ब टॉनिक। इस तरह से अगर पहले आप थोड़ा थोड़ा इस पैक को बनाए, इत्तु इत्तु पाउडर लेकर के बनाए, जब ये आपको लगे कि ये आपको पैक सूट कर गया है, ये आपको पैक सूट करता है, तब आप क्या कर सकते हो ना, पूरे अच्छे से क्वांटिटी में बना करके ना ये पाउडर फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हो, एक जार के अंदर, प्लास्टिक के जार या कांच के जार के अंदर आप स्टोर करके रख सकते हो इस पाउडर को। जब लगाना हो उस टाइम में आप इसे निकाले, इसको जो जो भी आपको सूट करता हो उसके साथ मिक्स करे और लगा ले, है ना। तो कुछ इस तरह का आपका पाउडर बन के रेडी है। अब जो इसको आपको मिक्स किसके साथ करें, तो भैया विंटर सीजन है, मेरी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है, तो मैं इसको रॉ मिल्क के साथ इस्तेमाल करूंगी। तो बट अगर आपको रॉ मिल्क सूट नहीं करता है तो आप दही के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, कर्ड के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगी, जितना मैं ली हूँ रॉ मिल्क ना, है ना, तो उतना ही क्वांटिटी में मैं रोज वाटर भी लूंगी, क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट इंग्रेडिएंट है रोज वाटर, और रोज वाटर मुझे बहुत बहुत सूट करता है। और विंटर सीजन में रोज वाटर, आपको पता नहीं होगा शायद, मैं बता दूं, विंटर सीजन में रोज वाटर आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, एक्सेस वाला बेनिफिशियल है। आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, सॉफ्ट बनाता है, सप्पल बनाता है। तो अच्छे से कुछ इस तरह से आपको मिला लेना है, ये हो गया एकदम अच्छे से। ये जो पैक है ना, आपको ना थिक बनाना है और ना पतला बनाना है, भैया पतला तो बनाना ही नहीं है, इस तरह का आपको बनाना है। देखिए जैसे आप उठा रहे हो ना, तो ये ऐसे कितना मैं कर रही हूँ, देख रहे हो, एकदम इस तरह का चाहिए, एकदम गाढ़ा सा बनाना है। पूरे फेस के ऊपर आपको लगाना है, आप इसे अंडर आई भी लगा सकते हो, जो आपकी अंडर आई, जो आपकी स्किन जो थोड़ी सी लूज हो गई है, या आपकी अंडर आई स्किन थोड़ी सी आपको सैगी सी लग रही है ना, तो उन सब की परेशानी में आपको फायदा देने वाला है। तो पूरे फेस के ऊपर आप लगा ले इसे अच्छे से, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी स्किन ड्राई है तो मैं क्या ही करूंगी, मैं तो लगा नहीं पाऊंगी। अच्छा एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गई, आप इसमें एक चीज मिला सकते हो, जैसे कि मैं ना इसके अंदर हनी नहीं ऐड की हूं, ठीक है, बट आप इसके अंदर हनी ऐड कर सकते हो। ओके मैं हनी नहीं ऐड की हूं इसके अंदर, बट आप इसके अंदर हनी ऐड कर सकते हो, या फिर आप ग्लिसरीन ऐड कर सकते हो। अगर हनी ऐड करते हैं तो आप तकरीबन कितना ऐड करेंगे, 1 स्पून हनी ऐड करेंगी, और अगर आप ग्लिसरीन ऐड करती हैं तो तकरीबन कितना, 1/2 स्पून के करीब में ग्लिसरीन ऐड कीजिएगा, है ना, 1/2 स्पून के करीब में ग्लिसरीन, सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके तो इसे पूरे फेस के ऊपर लगा लूंगी। अच्छा क्योंकि विंटर सीजन है तो इसे आपको ज्यादा देर फेस के ऊपर लगा के रखने की आवश्यकता नहीं है, 10 मिनट सफिशियंट है, 10 मिनट से ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसे पूरे फेस के ऊपर अच्छे से लगा ली मैं, ये देखिए, ओके। और जो बॉडी में लगाना है, नेक पे लगाना है, ये सब मैं जब सार लेने जाऊंगी तब लगाऊंगी, ये पैक अभी
ऐसे कवर करके मैं रख दूंगी। ओके तो चलिए, फेस के ऊपर लग चुका है, मैं इसे 10 मिनट्स के बाद जो है वॉश करूंगी, तो रिजल्ट देख के जाइए। ड्राई बट उतना ही, सिर्फ 10 मिनट्स रखी हूँ मैं, अब जा रही हूँ फेस को वॉश करने। फेस को वॉश करके आती हूँ, उसका रिजल्ट देखिए। जस्ट फेस को वॉश करके आ चुकी हूँ, इतने अच्छे से फेस वॉश भी नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी मेरे फेस के ऊपर लगा ही हुआ है। तो फेस को जब भी वॉश करके आते हैं, क्योंकि विंटर सीजन है तो आपको हल्के हाथों से फेस को ड्राई करना चाहिए। बात कर लेते हैं कि इसको हफ्ते में कितने बार लगाना है, तो मैं स्टार्टिंग में ही बोल दी हूँ, एक बार लगा लेते हो तो सफिशियंट है, बट अगर हफ्ते में दो बार लगा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। जहां तक इस तरह से बना करके रखने की बात है, फ्रिज में आराम से 7 डेज तक आप बना करके रख सकते हैं, वो कवर करके, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके बच्चे की उम्र हो गई 11 साल की, तो आराम से लगा सकते हो हफ्ते में एक बार। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ बताना रह गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जब मैं फ्री रहूंगी आपके कमेंट के रिप्लाई करूंगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय।